दुनिया में अगर कोई सबसे महंगी चीज है तो वो है सम्मान, यानी रेस्पेक्ट। इसे हर कोई पाना चाहता है। दुनिया में मान सम्मान पाने की चाहत सबकी होती है। सब चाहते हैं कि लोग उनकी इज्जत करें, लोग उनका सम्मान करें। लेकिन दोस्तों, रेस्पेक्ट खुद ब खुद मिलने वाली चीज नहीं है, इसे कमाना पड़ता है। यह हमारे कामों से मिलती है और ये हमारे व्यवहार के दम पर हमें मिलती है। समाज में मान सम्मान पाने की लालसा उम्मीद सबके मन में होती है, लेकिन सम्मान की उम्मीद करना ही नहीं बल्कि इसे कमाना भी सीखना होगा। सम्मान सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो ईमानदार होते हैं और दूसरों का सम्मान करना जानते हैं। इस वीडियो में हम कुछ तरीकों के बारे में बात करेंगे। यदि हमने उनको अपनी ज़िंदगी में अपना लिया तो कोई भी हमारी बेइज्जती नहीं कर सकेगा, बल्कि लोगों के दिलों में हमारी इज्जत और बढ़ जाएगी। तो समाज में सम्मान पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और पहला पॉइंट है दोस्तों, खुद का सम्मान करें। दोस्तों, अगर हम समाज में सम्मान पाना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत खुद से करें। जी हाँ, अपने आप की इज्जत करना सीखें, अपनी नज़र में खुद को एक अच्छा और काबिल व्यक्ति समझें और खुद से प्यार करें और अपने काम से प्यार करें। दोस्तों, यदि आप खुद की रेस्पेक्ट नहीं करते तो दुनिया में कोई भी आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। आपको खुद पर यकीन होना चाहिए कि आप खुद इज्जत के काबिल हैं, तभी आप लोगों को समझा सकेंगे कि आप सम्मान के लायक हैं। अपनी कमजोरियों की बजाय अपनी अच्छाइयों को याद रखें, यह बात हमेशा याद रखें। आपको इज्जत तभी मिल सकती है जब खुद को इज्जत के काबिल समझते हैं। यदि आप अपने आप को एक असफल व्यक्ति मानते हैं और अपने काम को छोटा समझते हैं, अपनी गलतियों को याद करके पछताते रहते हैं, तो आपको कभी भी लोगों से इज्जत नहीं मिल सकती। आपको सम्मान तभी मिलेगा जब आप खुद का सम्मान करेंगे। दूसरी और महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, किसी के साथ ज़्यादा समय ना बिताएं। अक्सर आपने गौर किया होगा, जब कोई आपका अपना आपसे दूर कहीं चला जाता है तो आप उसकी कमी महसूस करते हैं। आपको उसकी अच्छी बातें याद आती हैं, लेकिन जब वो आपके पास था तो आप उसे इतनी अहमियत नहीं देते थे। जब आपके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, आप उसका आदर नहीं करते थे। सभी के लिए हर समय उपलब्ध रहेंगे। अगर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं तो लोग आपको सिंपल समझते हैं और उनके दिल में आपकी कोई वैल्यू नहीं होती और आपकी इज्जत नहीं करते। यह बात हमेशा याद रखें, जो चीज़ दुर्लभ होती है उसकी वैल्यू और कदर ज़्यादा होती है। दोस्तों, मनुष्य के लिए जो चीज़ें आप बहुत आसानी से मिल जाती हैं, वो उसके लिए उसकी कोई कदर नहीं होती है। मतलब आपकी नज़र में सरलता से उपलब्ध होने वाली चीज़ों की कोई अहमियत नहीं होती। जो आपके अच्छे दोस्त हैं, आपको सम्मान देते हैं, उनके साथ अच्छे रहें और समय बिताएं। लेकिन जो आपकी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनके साथ थोड़ा कम मिलें जुलें, तभी वो आपको धीरे धीरे आपका सम्मान देने लगेंगे। तीसरी और महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, दूसरों का सम्मान करें और स्वयं का सम्मान पाएं। दोस्तों, इस दुनिया में गिव एंड टेक चलता है। आप सामने वाले के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, वो भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। आप दूसरों को जितना सम्मान देंगे, उतना ही आपको लोगों से सम्मान मिलेगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें, आपका आदर करें, तो पहले आप लोगों की इज्जत करना सीखें। मतलब आप जैसा व्यवहार चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करें। लोग जितनी इज्जत आपको देते हैं, उनको उतनी इज्जत जरूर दें। किसी का अपमान करके आप उसके दिल में अपनी जगह नहीं बना सकते। आप तभी लोगों का दिल जीत सकते हैं जब आप उन्हें प्यार देना जानते हो। यदि आप दूसरों के दृष्टिकोण का सम्मान नहीं करते हैं, तो आप उनसे कभी भी उम्मीद न करें कि वो आपका सम्मान करेंगे। चाहे आप उनकी बातों से सहमत हों या ना हों, फिर भी आपको उनकी बातों को गौर से और पूरे सम्मान के साथ सुनना चाहिए। आपकी बात अलग अलग हो सकती है, लेकिन कम से कम आपको उनकी बातें अवश्य सुननी चाहिए। उनकी बात को समझने की कोशिश करें। आप उनकी बातों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन आपको उनका मजाक या अपमान नहीं उड़ाना चाहिए। चौथी और महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, आप जो कहते हैं वो करके दिखाएं। यह बात हमेशा याद रखें, कोई भी बेईमान और अविश्वसनीय व्यक्ति कभी भी किसी को पसंद नहीं आता। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, लोग आपकी रेस्पेक्ट करें, तो कभी भी किसी से झूठे वादे, झूठी बातें ना करें। जो आप कहते हैं उसे पूरा करें। अगर आप अपनी बात के पक्के हैं तो हर कोई आपकी इज्जत करेगा। अगर आप लोगों से झूठ बोलते हैं तो आपका सम्मान तो बड़ी बात है, एक पल के लिए भी विश्वास नहीं करेगा। इसलिए अपनी कई बातों पर खड़े उतरें और तभी लोग आपका आदर और सम्मान करेंगे, वरना नहीं। अगर आप अपने वादे और निर्णय के पक्के हैं तो हर कोई आपकी इज्जत जरूर करेगा। पांचवी और महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, एक अच्छे वक्ता होने के साथ साथ एक अच्छे श्रोता अवश्य बने।
यदि आप चाहते हैं कि लोगों की नज़रों में एक अच्छा इंसान बने और एक ऐसा इंसान जिसकी सब इज्जत करें, तो आपके अंदर एक खासियत जरूर होनी चाहिए। क्या आप जानते हैं वो खासियत क्या है? नहीं पता? दरअसल वो खूबी है यह कि आप एक अच्छे श्रोता बने। अपनी बात लोगों तक पहुंचानी आवश्यक होती है। आपको अपनी बात अच्छे से प्रेजेंट करनी अवश्य आनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। लोगों की बातों को गौर से सुने, यह काम जितना आसान है उतना ही मुश्किल भी है। ज़्यादातर लोग जब बातें कर रहे होते हैं तो उनका ध्यान सामने वाले की बातों को सुनने से ज़्यादा इस बात पर होता है कि वे उनकी बात खत्म होने पर क्या कहेंगे। ऐसे में अगर कोई अपनी बातों को आराम देकर उनकी बातों पर ध्यान देता है तो वो उनकी पसंद बन जाता है। यदि आप भी सामने वाले की बात को खत्म होने तक गौर से सुनने और समझने वाले बन जाते हैं तो आप भी सामने वाले की पसंद बन जाते हैं। मतलब आप ध्यान से सुनने वाले बन गए तो हर कोई आपकी इज्जत करेगा और आपकी बात को पसंद करेगा। छठी और महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, गलत को गलत कहने से न डरें। दोस्तों यह बात तो हम सभी जानते हैं कि हमें सम्मान तभी मिलेगा जब हम सामने वाले को सम्मान देंगे, लेकिन उन लोगों को भी इज्जत नहीं देनी चाहिए जो आपके साथ बुरा व्यवहार करें। इज्जत पाने के लिए कभी भी किसी का बुरा व्यवहार बर्दाश्त न करें। दूसरों का सम्मान करें, लेकिन गलत व्यवहार करने वाले पर आवाज अवश्य उठाएं। अगर कोई आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, आप खामोश हैं, तो कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा, क्योंकि यह आपकी कायरता कहलाएगी। अगर आपको अंदर गलत को गलत कहने की ताकत नहीं है तो आप कभी भी किसी से सम्मान नहीं पा सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर देंगे और इससे भी आपकी इज्जत तो नहीं करेंगे, पर जब भी उनका दिल आपका अपमान करने के लिए करेगा तो वो आपको अपमानित करेंगे, क्योंकि आपने ही उनको छूट दे रखी है। दूसरों को यह जरूर बताएं कि आपकी क्या क्या सीमाएं हैं जो उन्हें पार नहीं करनी है। जिससे आप बात कर रहे हैं उसे यह भी पता होना चाहिए कि आपको किस तरह की बातें और कौन सी बातें पसंद नहीं है। यह चीज़ लोगों को आपको भी बतानी होगी, कैसे अपनी बातों से या अपने व्यवहार से। सम्मान पाने के लिए सातवीं और महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, अपने व्यक्तित्व पर ध्यान दें। लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं, इसमें आपकी दिखावट सबसे ज़्यादा मायने रखती है। दोस्तों एक कहावत है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जब हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो उसका अपीयरेंस सबसे पहले हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है। लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं, इसमें आपकी दिखावट सबसे ज़्यादा मायने रखती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी रेस्पेक्ट करें तो आपको अपनी अपीयरेंस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। आपकी पोशाक आकर्षक और साफ सुथरी हो, खुद को ज़्यादा स्टाइलिश बनाएं, बातचीत करने का अंदाज अच्छा हो, इसीलिए अच्छी तरीके से कपड़े पहने और अपने हर काम को अच्छे से किया करें। क्योंकि जितनी अच्छी आपकी ड्रेस होगी, जितना अच्छा आपका अंदाज होगा, उतनी ही अच्छी आप लोगों में अपनी छवि बना पाएंगे और उसी हिसाब से लोग आपको रेस्पेक्ट देंगे। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इसलिए दोस्तों आपने अवश्य देखा होगा जितने भी फिल्मी सितारे होते हैं वो अपने आउटलुक पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। किस व्यक्ति में क्या है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन दूर से देखने के बाद में उस व्यक्ति का आउटलुक कैसा है ये सबसे पहले दिखाई देता है। आज के समय में उस आउटलुक से ही लोग आपको कितनी इज्जत देनी है, कितनी वैल्यू देनी है, उस आउटलुक से ही डिफाइन करते हैं। अंत में दोस्तों हर व्यक्ति के जीवन में सम्मान महत्वपूर्ण है, क्योंकि सम्मान वो गोंद है जो रिश्तों को जोड़े रखने में काम करता है। जब कोई हमें सम्मानित करता है तो हम दूसरों का सम्मान करना सीखते हैं। कभी कभी हम खुद को अपमानित महसूस करते हैं किसी के मजाक उड़ाने से या किसी अन्य वजह से, हम दुखी रहते हैं। लेकिन इस वीडियो में सम्मान पाने के तरीके को आजमा के हम समाज में इज्जत और सम्मान पा सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि इस वीडियो में बताए गए उपायों को हम अपनी ज़िंदगी में अवश्य ध्यान रखेंगे, क्योंकि दोस्तों सम्मान बहुत बड़ी चीज़ होती है। यदि हमने इन बातों को माना तो हमें कोई भी सम्मानित होने से नहीं रोक सकता और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई हमें अपमानित कर सके। अच्छा दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपके अमूल्य विचारों की या सुझावों की हम अपने कमेंट बॉक्स में प्रतीक्षा करेंगे। अंत में दोस्तों मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों।